हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश गुरु महेंद्र सर फ्रॉम आयुषी इंस्टीट्यूट। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो, हमने आपके लिए एक प्रोनाउंसिएशन का सीरीज स्टार्ट किया है। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 वर्ड होते हैं और उस 26 वर्ड में 44 साउंड निकलते हैं। वो कौन से वो साउंड है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी वॉन्ट टू टीच यू। और 26 वर्ड के अंदर स्पेलिंग में वो वर्ड दिए तो गए होते हैं, लेकिन वो वर्ड साइलेंट होते हैं। दो एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पहला वर्ड है लैंग्वेज, LANGUAGE। अब ध्यान से देखिए स्पेलिंग को, दो जी आ रहे हैं। पहले जी का जो साउंड है वो ग है, लैंग ग है, और दूसरे वाले जी का जो साउंड है वो ज है, लैंग्वेज। आपको यहीं पर दिक्कत होती है कि हम इसको ज कहां पर पढ़े और ग कहां पर पढ़े। दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन वी वॉन्ट टू गिव यू। और कहीं कहीं पर वर्ड बिल्कुल साइलेंट होते हैं, जैसे कि टॉक, TALK, टॉक। इसमें L दिया गया है, लेकिन हम L को पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट टॉक बोलते हैं। बस यही सॉल्यूशन हम आपको देना चाहते हैं। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेटर F का साउंड क्या होता है और लेटर F कहां पर साइलेंट जाता है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी वॉन्ट टू टीच यू। लेकिन इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल के नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाते हो, जब भी हमारा कोई अपकमिंग वीडियो होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है और आप घर बैठे अच्छे से पढ़ सकते हो। चलिए आज के इस वीडियो में लेटर F कहां पर, इसका साउंड क्या होता है, वो कौन से वर्ड है जहां पर हम उसको फ पढ़ते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी वॉन्ट टू टीच यू। एंड ऑल्सो F कहां पर साइलेंट जाता है, ये भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। पहले तो आप जानते हो कि F को हम फ बोलते हैं, F को फ बोलते हैं, चाहे F स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो या एंड में हो, इसको फ ही पढ़ना है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड, फेमस, लेफ्ट, लिफ्ट, हाफ एंड प्रूफ। अब ध्यान से 6 स्पेलिंग को देखिए। पहले दो स्पेलिंग में F स्टार्टिंग में दिया है, फ्रेंड एंड फेमस, इसको हमने फ ही पढ़ा है। लेफ्ट एंड लिफ्ट, इसमें बीच में F दिया गया है, फिर भी हमने इसको फ पढ़ा है। हाफ एंड प्रूफ, इसके अंदर F लास्ट में है, फिर भी हमने इसको F ही पढ़ा है, यानी फ ही पढ़ा है। ये तो आपको आता ही है, ये कुछ नई बात नहीं है। लेकिन PH 100 में से कुछ 1% वर्ड ऐसे होते हैं जहां पर PH को भी हम फ पढ़ते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। फर्स्ट वर्ड इज फोन, PHONE, फोन। देन फोटो, फोटो, PHOTO, फोटो, यहां पर हम PH को फ पढ़ रहे हैं। एलिफेंट एंड फिलोसॉफी, एक बार फिर से ध्यान से देखिए, फोन, फोटो, एलिफेंट एंड फिलोसॉफी। स्टूडेंट्स, बहुत कम स्पेलिंग मिलेंगे, 1% स्पेलिंग मिलेंगे, वहां पर आपको PH को फ पढ़ना है। ये एक्सेप्शन में आप ले सकते हो, कुछ वर्ड है, यानी 6 या 7 वर्ड है टोटल, वहां पर हम PH को फ पढ़ते हैं। और एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, जहां पर अगर दिए गए स्पेलिंग में, अगर दिए गए स्पेलिंग में लास्ट वर्ड GH है, दिए गए स्पेलिंग में लास्ट वर्ड GH है, वहां पर भी हमें GH को फ पढ़ना है। लेट्स सी सम एग्जांपल। लाफ, देखिए जरा, LAUGH, लाफ, इसमें लास्ट में GH दिया गया, इसको हम घर नहीं पढ़ रहे, इसको फ पढ़ रहे, लाफ। इनफ, कफ, टफ एंड रफ, फिर से देखिए, लाफ, इनफ, कफ, टफ एंड रफ, ये सारे स्पेलिंग के अंदर GH लास्ट में है और इसको हमने फ पढ़ा है। ये फ के कुछ अलग अलग साउंड है, जैसे F को फ बोलते हैं, PH को भी फ बोलते हैं, और लास्ट वर्ड GH आता है, वहां पर भी हम GH को फ पढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट हम जानते हैं F कहां पर साइलेंट जाता है। स्टूडेंट्स, F के स्पेलिंग में जो, जैसे बहुत सारे वर्ड है A से लेके Z तक, वो बहुत सारे जैसे वर्ड है, जैसे ए है, बी है, के है, ये सब साइलेंट जाते हैं। एफ भी सिर्फ एक स्पेलिंग ऐसा है जहां पर एफ को हमें साइलेंट रखना है, बाकी के कोई स्पेलिंग में कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। सिर्फ एफ एक ही स्पेलिंग ऐसा है कि जहां पर एफ साइलेंट जाता है, वो स्पेलिंग है हैपनी। अब स्पेलिंग देखिए, HALFPENY, हैपनी है, ओके। यहां पर एफ साइलेंट बोलना है, HALFPENY, जैसे इसको हैपनी बोलता है, को साइलेंट रखना है, बाकी कोई वर्ड में एफ साइलेंट नहीं जाता है। स्टूडेंट्स, यही चीज हम आपको सिखाना चाहते थे। आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा, एफ को फ बोलते हैं, पीएच को फ बोलते हैं, और जीएच अगर लास्ट में आता है, वहां पर भी हम इसको फ का प्रोनाउंसिएशन करना है। और एक ही वर्ड ऐसा है हैपनी,
जहां पर वो साइलेंट जा रहा है। ओके गाइस, सो इसी तरह के वीडियो को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नया वीडियो बनाए, इसको अपलोड करें, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप घर बैठे इसी तरह से इंटरेस्टिंग इंग्लिश पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।